वहीं कालका से आजाद उम्मीदवार विशाल, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल है, वे अब एमएलए के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि विशाल एक मजदूर के बेटे हैं और किराए के मकान में रहते हैं। जानकारी के अनुसार पिछली बरसातों में विशाल का घर बाढ़ में बह गया था, जिसके बाद से ही विशाल और उसका पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है। लेकिन कई चुनौतियों के बाद भी विशाल अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं जब हमारी एएनबी न्यूज़ चैनल ने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ उन्हें कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। और साथ ही हमारे संवाददाता ने आसपास के लोगों से भी बातचीत की है तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर हरियाणा विधानसभा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां जो हैं मैदान में हैं। इस समय हम कालका विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं हमारे साथ हैं। पूछेंगे कि अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो थी सरकार थी, क्या विकास कार्य जो हैं खासकर कालका एरिया में किए गए और क्या मुश्किलें जो कालका एरिया की हैं वो भी ज़रूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। पहले तो धन्यवाद आपका जो आप यहाँ मुझे कवर करने के लिए आए। और मेरा नाम विशाल है, यहाँ कालका विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इंडिपेंडेंट आप खड़े हुए हैं और युवा हैं, क्या कारण रहा कि इंडिपेंडेंट जो है आपको जो है मैदान में उतरना पड़ा? सर, यहाँ पे जो पार्टी के जितने भी कार्य मतलब जो सीटों से उन्हें टिकट दी जाती है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे एक तो हमारे बीच से नहीं है कोई भी नेता, और दूसरा उनको हमारी समस्याओं को एक्चुअल में पता ही नहीं है, क्योंकि वो कार्य अपनी जितना भी ऊपर से जो उनको हमारे सरकार हमारे लोगों के लिए देती है या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए देती है, वो एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। और ना तो आपका कहना है कि जो भी सरकार जो है वेतन या जो पैसा जो है कामकाज के लिए देती है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसका पैसा लगता ही नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए पिछले 10 सालों की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और वहीं अगर बात की जाए युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं के लिए पिछले 10 सालों में वो कार्य हुए, क्या युवाओं को नौकरी मिली, क्या कालका के जो युवा हैं वो खुश थे पिछले 10 सालों में? नहीं, कालका के युवा तो मतलब किसी भी तरह से देखो तो कोई विकास नहीं हुआ है। शिक्षा को चाहे शिक्षा की तरफ देख लो, हेल्थ की तरफ देख लो, या फिर बेरोजगारी की तरफ देख लो। हेल्थ के आप हमारे यहाँ पर एजुकेशन जो सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पर, और गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी सुविधा कोई नहीं है जिसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। जैसे कि हमारे मॉडल स्कूल पंचकूला चंडीगढ़ साइड के, ऐसा विकास यहाँ पर नहीं है। विकास अगर हम आपकी बात करें, पिछले क्या आपका अनुभव है, पिछले कितने समय से जो है लोगों के साथ जुड़े हैं, हालांकि युवा हैं, किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको, क्योंकि पेपर जो है सबमिट हो चुके हैं और उसके बाद डोर टू डोर अब कैंपेनिंग भी जो है चल रही है, लोगों का किस तरह से प्यार मिल रहा है? हमारा मार्च से प्रचार चल रहा है और तब से अब तक पूरा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बीच से कोई नेता है या हमारे बीच से कोई खड़ा है तो उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों का और बाहर की पार्टियों का हमने सब देख लिया है, पार्टी बाजुओं का, क्योंकि इन्हों को सिर्फ एक बार ये हमें हमारे बीच में आते तो हैं, वोट के समय पर आते हैं, और उस टाइम पर शायद कार्य को मतलब समस्याएँ हैं जो उनको ढक भी देते हैं, जैसे कि छोटे छोटे हमारे गली मोहल्लों की कोई जो विकास से इतने साल से पाँच सालों से कार्य रुके हुए हैं उनको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कर देते हैं, उसके बाद फिर ये पाँच साल के लिए छिप जाते हैं। तो मतलब नेतागण जो है पाँच साल जो है ज़रूर जनता जनार्दन के बीच में जो है नहीं आते, और जब वोट का समय आता है तो वोट लेने के लिए ज़रूर आते हैं और उसके बाद कुछ कार्य करके वह छिप जाते हैं। हालांकि आपका कहना है ये, मगर अगर बात की जाए अगर आपको लोग जिताते हैं तो आप जो है क्या कालका के लोगों के लिए क्या कार्य करेंगे, क्या काम जो है इस एरिया में होने चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हम कोई किसी भी चुनाव को लड़ते हैं तो हमें जो है एक चोन मैनिफेस्टो देना पड़ता है, आपके चोन मैनिफेस्टो में जो है क्या क्या लोगों के लिए जो है लोगों के हित के लिए आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो जो बेरोजगार हैं हमारे युवा, उनके लिए हम यही जैसे कि वहाँ उनके लिए जॉब प्रोवाइड करवाएंगे गवर्नमेंट से अपील करके, और दूसरा हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेंगे, हेल्थ सिस्टम में सुधार करेंगे, क्योंकि यहाँ इस एरिया में आप लगाओ तो कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के जो हमारे हेल्थ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको पंचकूला या चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया जाता है। मैं जब अगर हमें कामयाबी मिलती है तो मैं यहाँ पे एक तो बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगा, और शिक्षा की तरफ यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसके लिए भी हमारे युवा बाहर ही जाते हैं पंचकूला या चंडीगढ़ साइड। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा यूनिवर्सिटी और
स्कूलों में सुविधा मॉडल स्कूल बनाए जाएं, प्राइवेट सिस्टम को कम किया जाए और यहाँ पे जो पुरानी कंपनियाँ थी हमारे यहाँ पे, जैसे कि HMT कंपनी है, मैं सीमेंट फैक्ट्री होगी, तो इनको भी दोबारा अनुरोध करूँगा कि इनको ओपन किया जाए। एक आखिरी सवाल है, आपने बताया कि मार्च से जो है आप प्रचार जो है कर रहे हैं, अगर मार्च की बात की जाए और अगर सितंबर जो है आ चुका है, कोई लगता है कि किसी पार्टी ने आपके साथ जो है बातचीत करने की कोशिश की हो, या अगर आप आने वाले समय में अगर जीत जाते हैं तो आप किसी पार्टी को समर्थन देंगे? नहीं, समर्थन का तो देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें सब पार्टियाँ एक बराबर है, क्योंकि हमें पार्टियों से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें प्रॉब्लम है जो उनके कैंडिडेट्स हैं और जो एक बार वोट मांगने के बाद दोबारा आते नहीं यहाँ पर। हमें उस सिस्टम को ख़त्म करना है कि हमारे बीच का नेता होगा और यहाँ की जो कि हम भली भांति सारी समस्याओं को जानता हो, बस। ठीक है, तो बिल्कुल साफ तौर पे विकास का कहना है कि अगर वह जीतते हैं तो किसी पार्टी को जो है समर्थन नहीं देंगे और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। हालांकि जनता जनार्दन का फैसला होगा कि 5 अक्टूबर को सियासत का ताज जो है किस पार्टी की झोली में डालना और किस कैंडिडेट को जिताना। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनके साथ जरूर चर्चा करेंगे कि उनका MLA जो है कैसा हो, उनका नेता जो है कैसा हो। सर, अगर आपके एरिए की बात की जाए, आपको देख के लगता है कि पिछले लंबे अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं, अगर यहाँ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो है क्या विकास कार्य किए और आप क्या चाहते हैं कि आपका जो है MLA जो है वो कैसा हो? ये हमारा MLA था विशाल, पिछले क्या काम किए गए 10 साल? कोई काम नहीं हुआ जी, मेरे सामने तो कोई काम नहीं किया। क्या लगता है क्या कार्य जो है होने चाहिए? कुछ भी नहीं हुआ जी, क्या करना, देखते हैं आगे क्या करते हैं। खास कार्य नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरूर चर्चा जरूर करेंगे कि अगर पिछले 10 सालों की हम बात करें तो क्या विकास कार्य हुए और क्या लगता है कि आपका MLA कैसा हो? सर, टू बी ऑनेस्ट, हमारा जो एरिया कालका का विधानसभा का, ये पंचकूला की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और ये चंडीगढ़ से पास का इलाका है और यहाँ पर आप आते भी आपने देखा होगा कि रोडें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हैं और अपना क्या कहते हैं, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है इस इलाके में। किसी भी सरकार ने आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क नहीं किया है और जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो सारा का सारा प्राइवेट है और सरकार को क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा कम करके सरकारी स्कूलों को रीबिल्ड करना चाहिए चंडीगढ़ और दिल्ली के मुकाबले में, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ आज तक। प्लस सर, यहाँ पर जो अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन भी बिल्कुल जीरो हैं यहाँ पर, ना ही पुलिस की कोई सख्ताई होती है। आप देखोगे रोडों पे आसपास भी नज़र घुमाओगे तो बिना हेलमेट के लोग आते जाते हैं, ना ही उसमें सख्ताई की गई आज तक, ना ही हमारे जो MLA साहब हैं जो अब तक पिछले कैंडिडेट वगैरह आए हैं, उन्होंने आज तक जितने भी गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर चाहे मनरेगा स्कीम्स हो या सरकारी द्वारा योजनाएँ होती हैं, पेंशन स्कीम्स हो, तो उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आधे जो बुजुर्ग हैं उनको तो पेंशन वगैरह ही नहीं मिलती हैं और नशा शरीफ इलाके में हद से ज़्यादा है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ बारे सोचना चाहिए था बट अब तक सोचा नहीं गया। प्लस सर, यहाँ घर भी बहे हैं लोगों के बरसातों के मौसम में, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया आज तक कभी भी। पिछले आपने देखा होगा लास्ट ईयर काफ़ी बरसातें आई थी तो इस एरिया में भी 45 घर बहे थे, तब भी गवर्नमेंट ने कुछ वर्क नहीं किया उस चीज़ पे। बिल्कुल, युवाओं का जो है साफ तौर पे कहना है कि अगर पिछले 10 सालों की हम बात करें तो 10 सालों में विकास कार्य जो हैं वो नहीं हो पाए और इस बार जो है बदलाव जो है वो जरूर चाहते हैं, मगर फिर से एक बार यही कहूँगा कि जनता जनार्दन का फैसला होगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को किस पार्टी के सिर पे जो है सियासत का ताज जो है जनता जनार्दन जो है सजाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कालका से कैमरा पर्सन राकेश और विजय के साथ ANB News के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।